नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। डीएचएस के गेट के सामने आज ऑटो चालकों ने हमें बुलाया और आसपास की गंदगियों को दिखाया और उन लोगों ने बताया कि कुछ ही दूर में पीबीएमसी का ऑफिस है, परंतु यह गंदगी को नहीं हटाया जा रहा। हमसे ऑटो यूनियन के प्रेसिडेंट ने बात की और बताया कि आसपास की गंदगी होने की वजह से उन्होंने पीबीएमसी में भी कंप्लेंट करे, लेकिन अब तक कोई सफाई उनके द्वारा नहीं की गई। उनका कहना है कि ड्रेन से गंदगी बाहर निकालकर ऊपर ही डाल दिया गया है। आइए जानते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कहा। नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम आए हैं ऑटो स्टैंड के यहाँ पर। जो ये ऑटो स्टैंड है, आप जैसा देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दिखाने के लिए, डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज के सामने जो ऑटो स्टैंड है, वहाँ से हमें कुछ कंप्लेन आई थी कुछ ऑटो वाली मतलब ऑटो वालों की। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि ये ऑटो स्टैंड तो इन लोगों के लिए है, बट जैसा हम अपना कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जरा दूर से दिखाने के लिए, यहाँ पर आप जो देख सकते हैं नाला की गंदगी, और आप देख सकते हैं वहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को फिर से कहूँगा जरा आगे जाके दिखाने के लिए, वो है नाला। तो आप देख सकते हैं ये नाला यहाँ पर इतना डीप है। तो करीबन दो महीना हो चुका है, जैसा आपको आप सभी को पता होगा, कुछ हायर मिनिस्टर्स और भी यहाँ पर वीआईपी का विजिट हुआ था, उसी के कारण यहाँ पर जितने भी नाले हैं सबको सफाई किया गया। सफाई करने के बावजूद हम आपको बता दें कि ये ऑटो स्टैंड यहाँ पर काफ़ी सालों से है, और ये ऑटो वाले यहीं पर अपना ऑटो खड़ा करते हैं। और अब क्या हो चुका है, ये लोग तो यहाँ पर वो वहाँ से मतलब नाला से गंदगी हटाकर यहाँ पर फेंक कर रख चुके हैं, बट यहाँ से कोई उठा नहीं रहे, म्यूनसिपल वाला यहाँ से उठा नहीं रहे। इसके वजह से ऑटो वालों को कई यहाँ पर तकलीफें हो रही हैं, क्योंकि अगर ये रूल के जस्ट बीच में या कुछ साइड में अगर ये पार्क कर दें तो ट्रैफिक वाले आके इनका चालान कर देते हैं, और इन्हें कई और भी दिक्कतों का मतलब सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से ऑटो यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाता है, या तो फिर कोई गाड़ी से यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी विषय में हम ऑटो यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे बात करेंगे। आइए हम मिस्टर संतोष जी से बात करते हैं। नमस्कार। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि हमारे ऑटो ड्राइवर जैसे आपको फ़ोन किया, तुरंत आपने इस जगह पर आया, इस जगह पर आके आपने ये जो वीडियो हमारे अंडमान की जनता को दिखाया। सबसे बड़ा दुखी बात यह है, जब से यह समस्या शुरू हुआ, हमने कम से कम 15-20 बार म्यूनसिपल कंट्रोल रूम में, और एक बार जो है हमारे जो इंचार्ज था सैनिटरी सेक्शन को, उनको भी बताया कि ये कचरा यहाँ से हटाए, ताकि ये जो दुनिया से हमारे भारत देश से जो भी गेस्ट इधर आते हैं, वो हम लोग स्वच्छता की ओर बोलते हैं, लेकिन यहाँ में कचरा इतना भरा हुआ है, नाली से कचरा निकाल के उसको लेके जाना था, लेकिन नाली से कचरा उठा के म्यूनसिपल डिपार्टमेंट ऊपर रख के अपना नाला थोड़ा सा सफाई करके बाकी लोगों को परेशानी कर दिया। तो आप खुल के बताइए सर, ये हाल है कब से? ये है अभी कम से कम 2-3 महीने से ये हाल यहाँ पड़ा है। ये 2-3 महीना जैसे ये शुरुआत किया, कचरा उठा के रखा है, उसको दूसरा दिन से म्यूनसिपल कंट्रोल रूम में बार बार हम लोग बताया कि जट्टी के सामने हमारे स्टैंड के वहाँ में इतना कचरा भरा हुआ, उसको निकालिए। इसके वजह से क्या है, एक तो गेस्ट को परेशानी होता है, गेस्ट को जो गाड़ी खड़ा कर नहीं सकता, और हमारे जो ऑटो ड्राइवर्स भाई है और जो भी जो टिकट लेने के लिए जो भी आता है, उनको यहाँ गाड़ी खड़ा करने का मौका नहीं मिलता है। तो उसके वजह से हमारे बच्चे लोग अगर उल्टा साइड में जाते हो, वहाँ से ट्रैफिक से उनको चलान भी होता है जी। ये सबसे बड़ा दुख इसी बात का होता है। मतलब बंद करो, बोल बोलिए। सबसे दुख इसी में होता है, और हमारे ये प्रशासन से भी ये है, ये जो मेन टूरिस्ट का पॉइंट है, जैसे आपको हम लोग नील जो भी जगह जाने के लिए टूरिस्ट हमारा सारा देश से इधर आता है, और हमारा सुंदरता यहाँ से देखो, उनको मालूम होता है कि म्यूनसिपल डिपार्टमेंट कितना जोर में काम कर रहा है। ये म्यूनसिपल जो है यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूर में म्यूनसिपल ऑफिस नहीं है, लेकिन हम लोग कोई भी कंप्लेन देने से कोई आके कार्रवाई नहीं करता है। और हमें ये भी आपके माध्यम से इस बार प्रशासन में नज़र लगे, ताकि उनको ऊपर कार्रवाई करें। सर कहते तो ये है, जैसा मोदी जी का ये बात है कि स्वच्छ भारत, ठीक है, और यहाँ पर स्वच्छ भारत अभी अभियान भी चल रहा था, और पोर्टलर को कहते हैं क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। तो ये है क्या क्लीन सिटी ग्रीन सिटी? ये तो म्यूनसिपल वालों का नारा है,
ये है हमारा हमारा जो स्टार्टिंग में आपको बताया था हमारा देश में मोदी जी का जो नारा था स्वच्छ भारत रहे, लेकिन ये हमारे सिटी के अंदर हेड ऑफ द सिटी बोल सकते हैं क्यों, एक किलोमीटर भी म्यूनसिपल ऑफिस से नहीं है। और इसको अगर ग्रीन सिटी बोलेगा तो ग्रीन सिटी को क्या बोलेगी, तो प्रशासन सोचना, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट सोचना है। ताकि इतना बड़ा कचरा जो भरा हुआ है वो सारा देश से जो आदमी आता है ये पहले देखता है कि यहाँ में कितना सुंदरता से रखता है, तो इसको देखना चाहिए। और डिपार्टमेंट को अभी शर्माना चाहिए कि म्यूनसिपल डिपार्टमेंट को ये जो बात बोलने के लिए कि ये पोर्टलर जो म्यूनसिपल ग्रीन सिटी है स्मार्ट सिटी है बोलने के लिए ये देख के शर्माना चाहिए कि दो महीने से ये कचरा पड़ा है। अगर एक दिन दो दिन उनसे बात लगे बोल सकते हैं कि इलेक्शन के विषय में था, ये दो महीने से कड़ा है जब से ये हुआ। हम लोग म्यूनसिपल कंट्रोल रूम में बार बार फोन करके बताते कि सर कचरा इधर भरा इसको कुछ करें। अगर म्यूनसिपल के अंदर स्टाफ नहीं है तो ऐसे एक सुविधा बना के हम लोग एक ऑर्डर था, हम लोग ऑटो ड्राइवर कुछ स्वच्छता को जाएगा उसको निकाल के लोग जहाँ बोलेगा वन डम करना रेडी है वो भी हम लोग रेडी है, लेकिन वो भी नहीं देगा, वो करने से बोलेगा हम लोग डिपार्टमेंट का काम लिया बोलेगा। तो सर आपने जब आप कह रहे हैं, देखिए आप एक प्रेसिडेंट होकर जब आपका बात नहीं सुन रहे, आपने इन्हें कितने बार कन्वेंस की या आपने लेटर दी, कितने बार ये हुआ? अभी हम लोग दो तीन बार जो कंट्रोल रूम में बताया और बीच में हमारा इलेक्शन डिक्लेयर हुआ बोल के हम लोग आगे कोई भी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सकेगा। अभी हम लोग शुरुआत कर दिया है, अभी इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, अभी हमें आश्वासन है, हमें ये एडमिनिस्ट्रेशन और नया जो म्यूनसिपल आता है उनसे भी हमें ये उम्मीद है कि ये तुरंत इनको ऊपर कार्रवाई करेगा। हमारे भरोसा है ऑफिसर का, जो भरोसा चलेगा और हमारे इलेक्टेड जो पर्सन आ गया म्यूनसिपल चेयरमैन कल परसों जो भी बैठेगा उनसे भी हम लोग एक बार मिलेगा, नहीं मिलेगा हम लोग प्रोटेस्ट शुरू कर देगा। मतलब आपके ये कहना है कि जैसा आपने पहले भी कई बार सैनिटरी ऑफिसर्स और म्यूनसिपल के हायर ऑफिसर से आपने बात की तब भी उन्होंने नहीं सुना, तो जैसा आपको पता है अभी इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन होने के बाद अभी नया काम कमेटी बैठेगी म्यूनसिपल में, तो वो आपका ये कहना है कि आप ये बात आप उनसे भी कहेंगे और अगर वो लोग नहीं सुनेंगे तब आप लोग जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो पहले आप उनसे, आप जब भी जो भी बैठेगा, देखिए जो भी बैठेगा पहले आप उन्हें लेटर देके आप पहले उन्हें पर्सनली एक बार मिल लीजिए। जरूर जरूर, जैसे हमारा जो काउंसिल बैठने के बाद फर्स्ट में हमारा वार्ड काउंसिलर और चेयरमैन से हम लोग मिलेगा, ये मैटर उनके सामने रखेगा, तो हमें उम्मीद है लोग काम करेगा, अभी नए नए शुरुआत में काम करेगा उम्मीद है। और हमें ये भी भरोसा ही आपके माध्यम से आज ही एडमिनिस्ट्रेशन काम कर सकता है अगर सोचेगा तो। आपका क्योंकि हमें ये बता दे न्यूज़ अब तक का जो न्यूज़ है ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये यहाँ से बाहर भी जाता है क्योंकि हमारा जो मीडिया है वो नेशनल मीडिया के साथ हमारा टाइप है, तो हमारा न्यूज़ देखने के बाद यहाँ पर अंडमान निकोबार में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो हमने कई ऐसा न्यूज़ कवर किए जो कोई मीडिया आज तक यहाँ पेपर नहीं किया, और जैसा हम हमेशा पब्लिक के साथ रहते हैं, हम कभी किसी मतलब किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, बट फिर भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी हम सिर्फ पब्लिक को देते हैं क्योंकि जनता से ही हमें मतलब है। यही उम्मीद से आपसे दोबारा हमारा लड़का लो जैसे तुरंत फ़ोन आपको क्यों किया कि आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैटर चले जाएगा और न्यूज़ हफ्ते में जो पब्लिक देखता है सारा पब्लिक भी उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, हमें ये उम्मीद है और हमें भरोसा भी है आपका माध्यम से आज ही इस काम हो जाएगा। तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाने के लिए कि यहाँ पर कितने ऑटो खड़े हैं, क्योंकि इस ये जगह पर आप देख सकते हैं इस वीडियो पे कितने ऑटो वाले हैं, बट ऑटो यहाँ पर खड़ा नहीं कर सकते। आइए जैसा आप देखिए, ये देखिए ये है नाला, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं मैरिन ऑटो स्टैंड, तो ये सिर्फ नाम का स्टैंड अप रह चुका है क्योंकि लोग जब यहाँ पर पार्क नहीं करते तो किस बात का ये स्टैंड है। और ऑटो इसका नीचे एक दो बार ऑटो इसका नाले में गिर चुका है। ये है स्मार्ट सिटी, देखिए भैया स्मार्ट सिटी देखिए, ये पोर्ट बिलर का सबसे बड़ा सिटी है, उनका नाला का हाल देखिए क्या हाल है। और कभी भी भैया कचरा उठाएंगे बोलते ना, यहाँ में बोलते कि दो दिन में कचरा उठा देगा करके, लेकिन नहीं उठाते, वो एक महीना दो महीना तीन महीना होता है, हम लोग कन्वर्ट करने से आके उठाते हैं उस लोग, तभी बहुत मुश्किल से आते हैं उस लोग, बिल्कुल नहीं करते हैं, बाथरूम नहीं है, एक डस्टबिन भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट प्लेस जगह, एक बाथरूम रहना इंपॉर्टेंट जरूरी है और एक डस्टबिन भी रहना है, जो आता पानी पीता नाला में डाल के चले जाता है यहाँ। तो मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ कि इन गरीब ऑटो वाले की आप बात सुने, और जैसा हम आपको पहले बता दिए ये ऑटो स्टैंड DSS डायरेक्टरेट ऑफ शिपिंग सर्विसेज जो है उनके जस्ट बगल है ये ऑटो स्टैंड, तो यहाँ पर जितने भी ऑटो वाले हैं इनको बहुत ही तकलीफ़ होती है, और मैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा इसके ऊपर आप नज़र बनाएं
म्युनिसिपल के म्युनिसिपल ऑफिसर्स को कहूँगा जल्द से जल्द इस एरिया को आप क्लीन कीजिए, आप क्लीन कीजिए, और हम पानी का टैंक था और हम पल पल की आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर आप लोग अपना काम अगर नहीं करेंगे तो हमें फिर से एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले आप अपना काम आप अपना क्लियर कर दीजिए, क्योंकि इन लोगों का ये आरोप है कि म्युनिसिपल वाले यहाँ पर काम नहीं करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये ऑटो वाले कह रहे हैं। हाँ और क्या है, हाँ और जैसा हम बता दें यहाँ पर ऑटो वालों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए आप देख सकते हैं ऑटो वालों को कितनी यहाँ पर तकलीफ होती है। ऑटो ये लोग कहाँ पार्क करके रखते हैं। और ये बता दें का हालात देखिए, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का टैंकी का हालात देखिए, ये नल हिलता है, पानी तो साल में दो साल में पाँच साल में भी नहीं आते, तीन साल से बंद है, खाली पड़ा है, इसमें पानी का नामो निशान नहीं है। एक टूरिस्ट आता है अगर पानी भरने के लिए अगर तकलीफ होता है तो ये स्वच्छ भारत मशीन लगाया, जंगल जंगल में मशीन लगाया, मशीन काम नहीं करता। ये ग्रीन सिटी बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड का, ये देखिए हाल देखिए पानी भी नहीं आ रहा है, पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। जैसा हम आपको बता दें ये सिर्फ नाम का यहाँ पर सिंटेक्स लगाया गया है, बट यहाँ पर काम कुछ नहीं हो रहा है। तो किस बात का आप इतना मतलब आप प्रचार कर रहे हैं कि क्लीन सिटी ग्रीन सिटी। मैं फिर से कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप इसके ऊपर आप ध्यान दें। जैसा हमारे साथ ऑटो एसोसिएशन वाले और ऑटो चालक हमारे साथ जैसा उन्होंने अभी आपसे गुहार लगाई है, तो जल्द से जल्द आप इसका समाधान करें। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। जय हिंद, बंद कर दो। हाँ, अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।